ये कथा के छठे दिन रात्रि को, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, उसमें अपने पंडाल में दरी बिछाकर पूरे दोनों बच्चों के साथ धर्म पत्नी ये सब पंडाल में भारी कीर्तन करते हुए, शिव कीर्तन करते हुए। भक्ति क्या होती है? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, 7 दिन की कथा में छठी जो रात्रि होती है उसको हम शिवरात्रि कहते हैं, 5 दिन की कथा में चौथी जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। और वो शिवरात्रि साधारण नहीं होती है, उस शिवरात्रि के दिन छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। और 7वें दिन की सुबह की कथा आप सुनकर, जब झोली पसार कर देवाधिदेव महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो मांगते हो मेरा बाबा तुम्हारी झोली वो भर कर ही देता है। एक विश्वास के साथ शिव की भजन करो। चरण और आचरण में अंतर हो जाता है। चरण केवल मंदिर तक लेकर जाएंगे, चरण केवल कथा तक लेकर जाएंगे, चरण केवल तीर्थ तक लेकर जाएंगे, पर हमारा आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो भाव है, वो हमको परमात्मा तक लेकर चले जाते हैं, वो हमें शिव तक लेकर, शंकर। हमारे आचरण हमको श्रेष्ठता की ओर लेकर जाए। चरण का काम केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना है, पर आचरण का काम आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। आचरण हमें श्रेष्ठ बनाने का। हमारे बीच में बहन श्रीमती नवनीत जी राणा जी पधारी हैं, सांसद महोदय। जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती के पावन प्रांगण में करवाई थी, और बड़े भाव से सभी शिव भक्तों ने उस कथा को श्रवण किया। 7 साधुताए आपको, जो आप सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए साथ होता है। तो चरण और आचरण दोनों अलग। चरण केवल कथा तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको मंदिर तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको तीर्थ तक ले जा सकते हैं, पर आपका आचरण आपको बहुत आगे पहुंचा देता है, बहुत। कुछ बदलो ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती अपने व्यवहार को जरूर बदलो। जिसका व्यवहार बदल गया, समझ लेना व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्वभाव के व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहाँ बैठे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको बदल। शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया, जो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ था। भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट होने वाला अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया। मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर आओ। एक व्यवहार अपने घर के अंदर, एक व्यवहार लेकर आओ।
अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से, दामाद से, बेटे से, बहू से, माँ से, पिता से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, बुआ से, फूफा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से, पड़ोसी से, धड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में, कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार, हमारा कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी। लड़ाई हो गई ना हो जान दो, बहन से हो गई ना हो जान दो, भाई से हो गई ना हो जान दो, जमाई से हो गई ना हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना कर। हम अपना बोलना बंद ना कर, क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीजें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है, प्रेम बढ़े। अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो पर मेरी बोलचाल बंद ना करो, बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवाधिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है, और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है, पर उपद्रव मचा रहा। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी, वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा, आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा, आप उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया, आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते, और ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते, तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन, फिर कहा केवल एक, जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार हो जाएगा। आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा, मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कह रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो, नारायण से कह रहे हैं या तो आप समझा दो या संहार कर दो, ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात
अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना, आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जिस जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है, पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो, तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर घर नहीं बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन माँ चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा। 9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि माँ के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता। ओम प्रकाश जी, कोरोना काल में, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने उस बेटी को वीडियो में भी, कहीं कुबेरेश्वर धाम से कोई वीडियो निकला हो तो उसमें उस बेटी का दर्शन भी किया होगा। कोरोना काल में एक बेटी खूब रोई। अब धाम पर आई और उसकी आंखों में जल। हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या है, तो वो बोल ना पाई। उसके साथ वाली जो थे तो उनसे पूछा, किसके साथ आई है, तो कहा ये अकेली आई। क्या नाम है इसका, उन्होंने नाम बताया। हमने क्या क्या पढ़ाई कर रही है, तो के ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई कर रही है। कैसे आना हुआ, ये क्यों रो रही है, इतनी बिलक बिलक कर रो रही है, इसके रोने का कारण क्या, क्यों रो? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में और इसकी माँ भी हॉस्पिटल में। 3-3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद माँ चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया, अब कोई भी नहीं बचा, अकेले। ये एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा हो। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना दे। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। सूरत भी नहीं देख पाए कहीं। हमने उस बेटी से पूछा कि
तेरे पिता के चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है, अगर मेरी माँ रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे, केवल एक मात्र एक माता। अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है, उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है माँ के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई माँ नहीं, सिखाने वालों ने अंधकासुर से कह रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला कि बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे, कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा। स्वयं शंकर जी के सामने की बात है, शंकर भगवान माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे थे, एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ था, उसने शंकर पार्वती को देखा तो देखते सी अपने मित्र को कहा जरा देखो, देखो जरा इनको, एक नंदी पर दो दो चढ़ के जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करता हूं मैं नीचे उतर जाता हूं। पार्वती जी ने, शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली, नंदी को पकड़कर शंकर जी जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसने कहा देखो जरा इनको, जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी नीचे उतर गए, अब शंकर भगवान बैठ गए, पार्वती नंदी पकड़कर चली। थोड़े आगे चले तो एक व्यक्ति फिर मिल गया, देखो कैसा व्यक्ति है, पति है इसका, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पर बैठकर जा रहा है। अब दोनों नीचे उतर गए, नंदी को लेकर चल दिए। फिर थोड़ी दूर पर कोई मिला, उसने कहा देखो गजब, साथ में नंदी चल रहा है और इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैदल क्यों चल रहा है, बैठ के चलो ना। ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ज्ञान देने वाला प्रतिदिन आपको ज्ञान देता रहेगा, मंदिर में गए तो ज्ञान दे दिया, ये बेलपत्री ऐसे मत चढ़ाओ, पानी ऐसे मत चढ़ाओ, तांबे का लोटा धोकर लाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 24 घंटे दुनिया के लोग ज्ञान देने में लगे हुए हैं, हर व्यक्ति ज्ञान देने में लगा हुआ है, यहां तक कि टीवी खोलो तो अच्छा अच्छा महाराज भी ज्ञान देने में लगा है, पर वो ज्ञान को अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। वो ज्ञान अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहे। हमने पहले कथा में कहा था, शायद आप लोगों के स्मरण में होगा, परतवाड़ा वालों के स्मरण में होगा, हमने कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी, ये बात हमने कथा में कही, किस किसने सुनी थी, सुनी थी ना, 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। जो महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाए तो राष्ट्र सुधर जाएगा, पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं, अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते, कभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह करे, कभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा, पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी।
पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है जम के बोलो जरा नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और ऋषि महापुराण की कथा के एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा, ये पत्रकार कहते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है, उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहाँ की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहाँ परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, पर उसने दिखाया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले क्यों सुनती है अपनी माता का? एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर, अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर। देवरानी है नगर में, जेठानी है नगर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्या? सास सब तेरे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है, माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है, तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा, तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा, ये घुटने, ये नेत्र, ये जिभ्या, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो, सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कर रहे हैं नहीं, एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक काम करो ऐसा करो। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं और शादी तो शादी, मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाऊ निकल गए, उसने कहा साहब निकल गए, फिर बारवा कब है? बस चार दिन बाद बारवा है, बारवा तेरवा चार दिन बाद है। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ, भाव निकल गए और बनाने की पूछ रहा है, इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाव निकल गए तो अपन तो रोए, पूछ रहे क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है, सेव है। इतने में बोला, गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने दो, श्रीखंड बनवा लो। अब बताओ, भाव निकल गए और श्रीखंड खाने की पड़ रही, श्रीखंड बनवा लो, श्रीखंड। हाँ विचार करिए जरा, सोचिए जरा, सलाह देने वाले कहीं नहीं चुकते, सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहे हैं, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं, कितनी लकड़ी लगाई वहां पर भी सलाह दे रहे हैं, वहां पर कितनी लकड़ी, कितनी लकड़ी लगाई वहां पर भी सलाह दे रहे हैं, और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही तो वहां पर भी सलाह देना, थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था डालो नीचे से, और डालिए और दे, और दे, और दे, सलाह दे महाराज।
शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो, जम के, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार, सलाह देने वाले अगर सही होंगे तो हमारी जिंदगी भी सही होगी और राष्ट्र भी सही चलेगा, राष्ट्र भी सही। सलाह, और शंभु शरणे पड़ी मांग शंभु शरण मांग दुख दया करी शरण। शिव महापुराण की कथा कर, पांच कार में सबसे आखिरी का कार है और वो कथाकार है। सबसे आखिरी का कार है, जम के बोलो कौन? कथाकार। आज के जमाने के जितने कथाकार हैं, जितने ज्ञान देने वाले हैं, उनसे निवेदन केवल इतना है कि आज के जमाने के कथाकार जितना बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, शांति रखो, शांति से जिंदगी जियो, किसी को अब शब्द मत बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, और मालूम पड़े वो ही प्रेम की भाषा तो जाने दो अंगारे में, जब वो ही अब शब्द कहना चालू कर दें, वही आड़ी टेढ़ी बातें कहना चालू कर दें, वही ताने और गालियां देना चालू कर दें तो हमारा राष्ट्र नहीं सुधर सकता। पांच कार में सबसे आखिरी का कार है कथाकार, इसको भी सुधरना जरूरी है। व्यासपीठ मिली है भजन करने के लिए, व्यासपीठ मिली है हरि का नाम शिव नाम लेने के लिए, व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए नहीं, प्रेम की भाषा, आनंद की भाषा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। कुछ हमको सुधरना, थोड़ा सा सुधरने का भाव अपने भीतर लाना। झगड़ा किसी से भी हो, लड़ाई किसी से भी हो, कितना भी किसी से विवाद हो, हमें बात बंद नहीं करना, हमें बातें बंद नहीं करना। अंधकासुर ने गलती कर दी, अंधकासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, आखिरी में अंधकासुर जो उपद्रव मचाया तब देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता पार्वती जी बैठी थीं और पार्वती जी को अंधकासुर ने गलत दृष्टि से देख लिया था। गलत दृष्टि से जब माता पार्वती को देखा तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को, उन्होंने काल भैरव को प्रकट कर दिया, भैरव ने जाकर अंधकासुर का संहार कर दिया। बेटा तो अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए। थोड़ा ध्यान देना कथा पर,
₹5 के बिस्कुट के पैकेट के पीछे करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। बिस्कुट और कुरकुरा लेने से पहले भोलेनाथ जी से झोली पसार कर प्रार्थना करना कि आज ये दे रहा है, अगली कथा तक मुझे इतना भंडार भरना कि अगली बार मैं भी डब्बा भर भर कर ला कर ऐसे लूटा। ₹5 के पैकेट के चक्कर में करोड़ों की दौलत मत छोड़ देना। आज समापन के दिन की कथा है, समापन के दिन बहुत ध्यान लगा कर सुनना है, क्योंकि अपने को बाबा से लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, लेकर बहुत दिल से, बहुत दिल से। पानी की बोतल अगर आपके पास में है और कोई पानी बांटने आए ना, तो वहीं से हाथ जोड़ करके तो आप पीछे जाइए, जो धूप में बैठा उसको दीजिए, हमारे पास रखी हम पी लेंगे, हमें नहीं चाहिए। जो धूप में बैठे हैं टेंट लगा लगा कर खड़े हैं धूप के अंदर, आप उनको दो ना, हम आराम से बैठे हैं, हमको नहीं चाहिए, हमें तो कथा सुनना है, हमें झोली भरकर बाबा से लेना झोली। शिव कथा। अंधकासुर चले गया, पार्वती जी के नयन अश्रुओं में जल भरा हुआ, बच विचार करो, माता को गलत दृष्टि से देख रहा है तो भी मां रो रही है, तो भी मां रो। तो भी माता के नयन में जल है। एक पत्र है, मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़ महाराष्ट्र, मायका अमरावती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी। अगर मोबाइल मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है, पत्र टीवी पर भी एलईडी पर भी आप पढ़ सकते हैं, जिनने पत्र लिखा है अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा सतीश सूर्यवंशी है, गांव नांदेड़ महाराष्ट्र, मायका अमरावती है, मेरा मोबाइल नंबर ये। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने इलाज का कहा, हमने इलाज भी करवाया, कई साल तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं। नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, अमरावती, नांदेड़, जगह जगह पर हमने इलाज करवाया पर फायदा नहीं। तब मेरी मां, उसने आपकी कथा सुनी। आप देखिएगा जरा माता का हृदय कैसा होता है, जरा समझिएगा, माता का स्वभाव कैसा होता है जरा उसको समझिएगा, माता का स्वरूप क्या होता है वो समझिएगा। मां बेटे को गाली दे देती है ना, बेटे को अपशब्द कर देती है ना, बेटे को श्राप भी दे देती है ना मां, बेटे को मार भी देती है ना मां, तो भी मां रोती है, तो भी मां रोती है। और बेटे से प्रेम करती है ना मां, बच्चे से स्नेह करती है ना मां, तो भी रोती है, क्योंकि माता का स्वरूप है। मेरी माता ने मुझसे कहा, तू डॉक्टर को दिखाना बंद कर और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कथा में सुना है, सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर अगर बांधा जाता है लाल धागे में, देवदिव्य महादेव का, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तो संतान होती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। हम लोग, मेरे पति भी अच्छी पोस्ट पर, हम भी अच्छी पोस्ट पर, हम क्या वर्णन करें, हमें ये सत्संग में कथा में रुचि नहीं, पर हमने प्रयोग कर देखा और 13 जुलाई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करता हूं, ये शिव तत्व है। योग हरदान।
ना यहाँ पर कोई बेल है, ना यहाँ पर कोई भभूति है, ना यहाँ पर कोई आडंबर है, ना यहाँ पर कोई दिखावा है, यहाँ तो बस केवल एक ही बात चलती है, सारी समस्या का हल। बोलबम का नारा है। हम यहां से ना तो कभी भभूति देते हैं, ना हम कभी बेल देते हैं, ना हम कभी श्रीफल देते हैं, ना हम कभी कोई चीज देते हैं, केवल एक चीज है, आपको यीशु महापुराण सुनना है, शंकर के मंदिर जाना चालू करो। हमसे मत कहो कि दुख क्या है, अगर दुख कहना है तो जब कथा में बैठो ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोला जाता है और बाबा से कहा जाता है बाबा मेरे दुख काटो, उस लाइन को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात मन से कह दो तो वो सुनता है, क्योंकि जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तक मेरा महादेव वहां खड़ा रहता है। हमने पहले कथा में कहा था हवाई जहाज को उतारने के लिए हवाई पट्टी होती है, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड होता है, ट्रेन को खड़ी करने के लिए स्टेशन होता है, बस को खड़ा करने के लिए बस स्टैंड होता है, उसी तरह मेरे महादेव को पृथ्वी पर पाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा होती है। ये देवाधिदेव महादेव का संवाद, ये देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा। एक पत्र तो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला आकोला की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला आकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। हाथ हिलाओ एक बार, हाथ दिख गई हो, आ जाओ एक बेलपत्री ले जाना, आ जाओ। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोट जिला अकोला की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या बखान करूँ बाबा के गुणगान का, आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ, एक लोटा जल हर समस्या का हल मैं ये सुनती आई हूँ, पर बाबा इतना विश्वास पहले नहीं था, इतना भरोसा नहीं था बाबा, जो सत्य है ना बाबा वही लिख रही हूं कि मैं भरोसा नहीं करी, पर गुरुजी मेरी चेष्ट में गठान हो गई और चेष्ट में जो गठान हुई उसका हमने ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापिस गठान हो, अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं थी, क्या करते। किसी ने कहा कि सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा उसको पूरा करता है। गुरुदेव डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हें चेस्ट में वापिस गठान हो गई है और उसका ऑपरेशन जरूरी है, और ये गठान कोई साधारण सी नहीं है गुरुजी, जिसको साधारण समझा जा। अब करूं तो करूं क्या। अमरावती में आपकी कथा चल रही थी और अमरावती में कथा चल रही थी जैसे आज जयसवाल जी कथा करा रहे हैं, वैसे श्री रवि जी राणा और नवनी जी राणा कथा कराए। हम उस कथा में पूरे टाइम तो नहीं पर कुछ समय के लिए हम पहुंचे और बाबा से हमने आखिरी दिन के एक दिन पहले, जिसको आप शिवरात्रि कहते हो, हमने बाबा से विनती करी उस जगह पर बैठकर कथा के पंडाल में, और वहां की मिट्टी को उठाकर चेस्ट में लगा लिया। जब तक कथा चलती रही तब तक वो मिट्टी में अपने चेस्ट पर लगाती रही। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी गठान गल चुकी है, अब गठान चेस्ट में नहीं है। शिव तत्व है, एक लोटा जल एक बेलपत्र,
और उसका गुणगान खाली नहीं जाता। सो मनीषा नंदलाल कहार, आकोल, जिला अकोला की रहने वाली, मेरा मोबाइल नंबर ये। लाइन अच्छी लिखी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। अच्छा एक भजन की सिद्धता प्राप्त करिए, आपको मांगने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये व्यासपीठ ना बेल देती, ना भभूति देती, ना श्रीफल देती, ये व्यासपीठ आपको कुछ नहीं देती। केवल अगर देती है तो केवल एक बात देती है कि आपको भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना है, भगवान का मंदिर नहीं छोड़ना है, शिव का स्मरण करना है। हाँ, इस व्यासपीठ से ये जरूर है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र हम भले जरूर, बाबा का ये प्रसाद, क्योंकि इसको तो हम भी पाते हैं तो आपको भी पाने के लिए, आपको भी रखने के लिए दे ही देते हैं, इतना जरूर है, इतना जरूर। और करो उस परमात्मा का स्मरण करो, आज कथा विराम हो जाएगी और कथा विराम होने के बाद में 16 तारीख से छत्तीसगढ़ प्रारंभ हो जाएगी पुरुद में, पुरुद में। विदर्भ क्षेत्र में ये दूसरी कथा है, पहली श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवनीत जी राणा जी कराए, श्री हनुमान जी ने कराई, और दूसरी है श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल जी ने, और परतवाड़ा के सभी शिव भक्तों ने। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बार अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। बोले अपने डर अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। आप दिल से प्रार्थना करें, उसे कहोगे वो सुनेगा। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण का पंडाल देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी उतरता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में है क्या, हम कहते हैं एक बार बैठ कर देखिएगा, एक बार बैठ कर देखिए, जितनी देर बैठोगे उतनी देर में आपको आनंद का अनुभव होगा। बैठिए एक बार, भगवान शंकर जी के सम्मुख में पार्वती जी आंसू ढाल रही है, रो रही है। पार्वती जी रोती, तुम भगवान महादेव ने पूछा क्यों रो रही हो, ये मेरा पुत्र माना था मैंने इसको, अंधकासुर को बेटा माना था और ये मर गया, इसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कह रहे हैं क्यों रो रही हो, उसने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा था, तुम मां हो उसकी। कभी कभी जरूरी नहीं है कि जवाब आप दो, जरूरी नहीं कि जवाब आप दो,
कभी कभी धैर्य रखो। हमने पहले कहा है श्रद्धा, हमने पहले वर्णन करा था, हमने उसका कहा था थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। जरूरी नहीं हर चीज का जवाब आप दोगे, जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता है। समय जो जवाब देगा उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं देगा। इसने मेरा बुरा करा, मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा, मैं इसको अपशब्द कह दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैं ऐसा कर दूं, ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती, तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम आप बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है, पर कल शिव महापुराण में कहा था महादेव दो पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजो धर्म वाली नारी, रजस्वला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाले, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने। कथा आती है शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया, मंथन, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकला, अब गोमाता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला, मंथन में बहुत कुछ निकला, फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है और मंथन में हाथी भी निकला, एरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो एरावत हाथी निकला, हाथी को देखकर भी समझ जाना कि वो एरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला, मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी, मंथन में एरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई, मंथन में एरावत हाथी क्यों निकला। उस एरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना, कान बड़े। मंथन में हाथी निकला तो यह बताने के लिए निकला कि हाथी जब चलता है, हाथी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे गली के कुत्ते पीछे पड़ते हैं, पर हाथी से हमको ये सीखना है कि हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता कि कौन कुत्ता हमारे को भौंक रहा है। आजा 12 वर्ष के बाद में जो बच्चा हुआ है उसका, ये बहन का है। अच्छा, आपकी बहन क्या हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद।
ये एक उनको भी पहुंचाना, ठीक है। श्री शिवाय नमः। उनकी बहन के घर में बच्चा हुआ है जो 12 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत साधु। हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता, हाथी को पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती में चल रहा है। एरावत हाथी मंथन में इसलिए निकला कि सारे देवताओं को रसूरों को भी ज्ञान उत्पन्न कराया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए कि देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाथी जैसी अलमस्ती लेकर चलते जाना। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अलमस्त होकर आगे बढ़ते जाना। ये हाथी की एक श्रेष्ठता, इसलिए मंथन में एरावत हाथी निकला। और हाथी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता यह होती है कि हाथी को जो भी मिलता है ना, हाथी उसको ऊपर महावत जो बैठा रहता है हाथी को चलाने वाला। हाथी को आपने पैसे दिए हैं कभी? किस किस ने दिए जरा हाथ उठाओ। सबने दिया। हाथी क्या करता है? उस पैसे को ऊपर दे देता है। हाथी के पास में जो भी सामान आता है हाथी ऊपर दे देता है। हाथी अगर पानी भी भरता है तो ऊपर फेंकता है। हाथी कोई भी सामान उठाता है ऊपर देता है। हाथी से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में हमें कुछ भी मिले उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये हाथी से सीख लीजिए। हाथी को कुछ मिला उसने ऊपर दे दिया, हाथी को पानी मिला ऊपर फेंक दिया, हाथी को सामान मिला उसने ऊपर दे दिया। अर्थात ये सीख हमें लेना चाहिए, हम उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाएं, हम तरक्की की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम समृद्धि की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहना कि ये तेरी कृपा से मिला है, वरना मेरी तो कोई सामर्थ्यता ही नहीं थी। कौन जानता था तेरी रहमत से पहले? कौन जानता? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्तो छी कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हतो छटी कटी जावानी। उसको धन्यवाद देते रहो हर पल हर घड़ी हर क्षण, उसको साधुवाद दीजिए ये तेरी कृपा से हुआ। आज अगर ओम प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, अगर ये सारा परिवार बैठा हुआ है, जयसवाल परिवार बैठा हुआ है, साथ में पूरे परतवाड़ा के लोग बैठे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आए हुए भक्त लोग वो सुन रहे हैं कथा, आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गए तो बाबा को धन्यवाद देना ये तेरी कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं और तूने हमें यहाँ बुलाया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी क्या सामर्थ्यता। एक प्रभु का नाम व्यक्ति को कहां लेकर जाता है ये उसको अंदाजा नहीं लग पाता। एक भगवान का नाम उस व्यक्ति को कहां तक लेकर जाता है ये अंदाजा नहीं लग पाता। आप परमात्मा के नाम के लिए, आप भगवान के नाम के लिए, आप परमात्मा के नाम के लिए आप आगे तो बढ़िए, परमात्मा आपको इतना आगे बढ़ा देगा कि आपको देखने वाले लोग ढेर लग जाएंगे। आप परमात्मा के नाम को लेकर आगे तो बढ़ो, आप भगवान के नाम को लेकर अग्रण्य तो होइए, आगे तो बढ़िए। परमात्मा आपको और बढ़ो, और बढ़ने से पहले इतना विचार करना कि हमारे सनातन धर्म को चोट ना पहुंचे। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है, पूरा भारत पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है। और मेरा निवेदन है एक एक सनातनियों से, अगर आप
मेरे राम से स्नेह करते हो, मेरे कृष्ण से स्नेह करते हो और शंकर से स्नेह करते हो तो वोट डालने जरूर जाना। जाओ वोटिंग करने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए वोट डालने जाइए। घर से निकलो, धूप वूप मत देखो, गर्मी मर्मी मत देखो, निकलो बाहर, जाओ वोट डालो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा करी, पार्वती दूर हो रही है, इसके लिए पार्वती को समझाया। एरावत हाथी का वर्णन आया, फिर वर्णन आया कि विष जो निकला उस विष को कौन को दिया जाए, किसको दें हम इस विष को, कौन पिएगा ये विष, कौन धारण करेगा ये विष, कौन पी सकता, किसकी सामर्थ्यता विष पीने की। अब बताओ पति ज्यादा विष पीता है कि पत्नी ज्यादा विष पीती है, बहुत भारी प्रश्न है, पर मुझे उम्मीद है रुक्मणी जी के गांव के हो तुम सब, इसलिए मुझे विश्वास है कि निर्णय सही दे सकते हो। सबसे ज्यादा विष कौन पीता है संतान नहीं हो रही, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, कोई अपने लड़के से नहीं कहता कि संतान नहीं हो रही, जो भी ताना देते हैं तो वो स्त्री को ताना दिया जाता है, गाली दी जाती है तो स्त्री को दी जाती है। घर में तकलीफ आई, ताना दिया गया स्त्री को, जब से इसके पांव पड़े जब से हमारा घर ही सही नहीं है, ताना किसको, स्त्री। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि विष किसने पिया, जमके बोलो, जमके बहुत अच्छे से बोलो, जरा दमदारी से, विष किसने पिया, देवदिदेव महादेव। पर जरा अच्छे से जिसने शिवपुराण सुन रखी होगी उसको मालूम होगा, जैसे ही महादेव विष पीने के लिए खड़े हुए, हलाहल विष उनके हाथ में आया और वो विष जैसे ही महादेव कंठ पर उतार रहे थे, इतने में माता दुर्गा भवानी आद्य शक्ति पार्वती को लगा ये विष मेरे पति के अंदर ना उतर जाए। पार्वती जी कंठ पर जाकर बैठ गई और सारे विष को झेल लिया। विष झेला माता पार्वती, ये विष अंदर ना उतर जाए। शंकर भगवान का नाम नीलकंठधारी हो गया, नीलकंठधारी। पर कोई पूछे अंदर ये नीलकंठ कैसे पड़ गया, क्या विष की तपन इतनी तीव्र थी कि कंठ नीला पड़ गया, नहीं, मेरी जगत जननी भद्र काली मां दुर्गा कंठ के अंदर बैठकर विष को झेल रही थी। विष खुद ने झेला, आद्य शक्ति ने, दुर्गा ने, भवानी ने। ये जितना विष है संसार का, ये जितना पुरुष नहीं झेलता उत्तम माताएं झेलती है। घर में रह के तो देखो रे भेरू, घर में रह के तो देखो, तुम तो आधे से ज्यादा समय दुकान पर, खेत में, खलियान में, काम में, नौकरी में, सर्विस में निकल जाता है। जो घर में रहती है उससे पूछो कि दिन भर में कितना विष पीती होगी, उससे पूछो, कितना विष पीना पड़ता। कंठ पर झेल कर रखी है मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, आद्य शक्ति। मां दुर्गा भवानी कंठ पर विष को झेल कर रखी है। एक राधा जी का भी प्रसंग आता है। राधा जी भी जब भगवान कृष्ण को खीर में विष दिया गया, तब राधा जी ने अपनी छोटी सी उंगलियां उस खीर के पात्र में डाल दी, खीर इतना मीठा हो गया कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तब भगवान कृष्ण राधा से कह दिए, राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लाल, तुझमें मिठास है राधा, राधा संबोधन में मिठास है, राधा शब्द में मिठास है।
जो समझे तो ना, समझे तो नारी स्त्री विष पीती है, विष पीती है। कंठ पर मेरी माता शक्ति ने, दुर्गा भवानी ने विष को झेल लिया, विष को झेल लिया। कहा देवाधिदेव महादेव ने स्मरण किया पार्वती का, माता पार्वती का स्मरण कर, मां जगत जननी का स्मरण कर रहा है, और माता पार्वती का स्मरण किया, हे पार्वती मैं विष पी रहा हूं, बस इतना तो बोलना था, और भगवान शंकर के कंठ में पार्वती जी विराजमान हो गए। समय आया, अमृत सामने आया, अमृत विष लेकर तो देवता आ गए थे, पर अमृत लेकर तो देवता आए ही नहीं, पीछे ही सलट लिए पीछे। किसी को किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए ना, तो वो इतनी देर तो किसी से पूछता थोड़ी ना, उतनी देर में तो जेब में सलटा लेता है, काय पूछे वो। किसी का सोने चांदी की रकम मिल जाए तो कौन पूछ रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है, जेब में सलटा। अब हाँ, अगर किसी की टूटी हुई चप्पल मिल जाए तो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, सलटाएगा जेब में नहीं, आवाज लगाएगा, देखो ये लाल कलर की चप्पल, पीली कलर की चप्पल, नीली कलर की चप्पल, काली कलर की चप्पल, ये चप्पल हमारे पास पड़ी है, और ये दो बत्ती की चप्पल पड़ी है, ये ऐसी चप्पल पड़ी है, किसी की हो तो ले जाओ। अब आवाज लगा रहा, और सोने की रकम होती तो जेब में रख लेता, वो आवाज नहीं लगा रहा। उसी तरह विष निकला तो देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए, बाबा विष निकला है, पूरा हलाहल विष है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, इतना भयंकर विष है। शंकर भगवान कहते क्यों घबरा रहा, ला मुझे दे दो। और अमृत निकला तो एक देवता नहीं आया, अमृत निकला तो एक भी। अपने भीतर यह अहंकार मत लाओ कभी जिंदगी में, कथा मैंने कराई, अपने भीतर यह अहंकार मत लाना कि मैंने ये सा करा, अपने भीतर यह अहंकार मत लाना कि मैंने ये करा, नहीं। अगर शिव महापुराण की कथा हुई है तो जितना हक श्री ओम प्रकाश जी जयसवाल जी का है, जितना हक प्रकाश जी जयसवाल जी का है, जितना हक अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती नवनीत जी राणा जी का है, जितना हक, जितना जितना आप लोगों ने सेवा करी, उतना उतना हक एक झाड़ू लगाने वाले का भी है, एक सेवा करने वाले का भी है, एक भोजन बनाने वाले का भी है, एक सेवाकारी करने वाले का भी है। ये कथा किसी एक की नहीं, संपूर्ण परतवाड़ा की, संपूर्ण विदर्भ वासियों की है, जिसको लोगों ने सुना, धारण करा, सेवा करी और बड़े भाव से उसको निभाए। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, ये चलते हैं।
बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीधा तान के चलते हैं, हम तो सीधा तान के चलते हैं, हम तो पापा के भरोसे चलते हैं, हम तो पापा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले चलते हम तो पापा के भरोसे चलते हैं, हम तो पापा के भरोसे चलते हैं। Thank you.
जाने बाबा हमारे दिल की जाने बाबा हमारे दिल की जाने दुनिया वाले क्या पहचाने दुनिया वाले क्या पहचाने बाबा हमारे दिल की जाने बाबा हमारे दिल की जाने इनके नाम से संकट टलते हैं नाम से संकट टलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं ये दुनिया वाले 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 हम तो बाबा चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं 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 हम तो बाबा के भरोसे आर आर पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। बाबा ने हमको चलना सिखाया बाबा ने हमको चलना सिखाया सब भक्तों से मिलना सिखाया सिखाया हम तो सीना तान चलते हैं हम तो सीना तान चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं भोले बाबा के भरोसे भाव से जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं वहीं पर से बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात जरूर कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलना। आज कथा का विराम दिवस है, बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिए। दिल से साथ में बोलेंगे सभी अपने आनंद के साथ में। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा मंगल।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। मंथन में निकला हुआ विष शिव जी पी लेते हैं, अमृत देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अब देवताओं के पास में अमृत तो आ गया, अमृत तो प्राप्त हो गया, केवल अमृत मिल जाना श्रेष्ठ है मना नहीं, पर अमृत मिलने के बाद जो अभिमान आ जाता है वो दिक्कत है। भगवान भोलेनाथ जी से कहा करो सब कुछ देना पर अहंकार